गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। द नेम इज अप्लाइड हिस्ट्री। यस, बिफोर दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 and 2 एंड 1 इन पॉलिटिकल साइंस। सो टुडे वी आर प्रोसीडिंग विद दिस चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री। ओके, सो अप्लाइड हिस्ट्री बेसिकली है क्या चीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है? अप्लाइड हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक हिस्ट्री, इज ऑल्सो द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्ररी एंड द फ्यूचर टाइम्स। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporate them in social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. Yes, जैसे हम कहते हैं ना कि historically knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आज की problems को हम solve करना चाहते हैं। सो वी शुड हैव एन एग्जाम्पल और वी शुड हैव एन दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस कि जो हिस्ट्री में हुआ था वो हम आज के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। बराबर है? अभी क्या बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या काम आती है, क्योंकि जो घटना घट चुकी उसको आज के इस दौर से हम क्यों रिलेट करें? क्या कंसेप्ट है? तो देख लेते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, इंटरेस्टिंग टू नो, इसको पढ़ते हैं। People have lot of misgiving about practicality of knowledge of history. लोगों को बहुत ही misgivings है इसके बारे में कि history practical थोड़ी हो सकता है। अब जैसे कि दिया है, for example, history is usually thought as field of interest only for historians and students wishing to pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड्स। मतलब ये लोगों की एक समझ बैठ गई है कि लोग क्या कहना है कि हिस्ट्री सिर्फ उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही मतलब का है, जो उस स्टडी और सब्जेक्ट को पढ़ता है, बाकी हिस्ट्री हमारे किसी काम का नहीं है और इकोनॉमिकली तो हमें कोई मतलब ही नहीं इससे। बट पब्लिक हिस्ट्री हेल्प अस टू ओवरकम सच मिक्स गिविंग्स एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल। पब्लिक हिस्ट्री हमें ये बताती है, जो हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड हिस्ट्री, कि जो कुछ भी घटना घटी है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और उस हिस्ट्री की वजह से ही हम आज के बड़े बड़े बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो है जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जब तक कुछ एग्जांपल सामने नहीं आता, एक्सपीरियंस नहीं पता चलता, तो लोग आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डरेंगे। क्योंकि देखिए, जो आज है आने वाले समय में ये भी हिस्ट्री बनेगा। तो जो भी घटना आज हमारे इस दौर प्रेजेंट टेंस में हो रही है वो आने वाले फ्यूचर वालों के लिए तो हिस्ट्री बनेगी ना। और अगर आज हमने कुछ ऐसी चीज़ों को सॉल्व किया या कुछ एग्जांपल दिया या फिर एक्सपीरियंस दिया, तो आने वाले समय में उन लोगों को ये बेनिफिट होगा। देर आर मैनी यूनिवर्सिटी अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु, कर्नाटका। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। यस, इन्होंने इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया पब्लिक हिस्ट्री के लिए, जहाँ पर बहुत सारी काफ़ी किताबें होंगी जो हिस्ट्री से रिलेट करती है। राइट, आगे देखते हैं क्या बताया ये। द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलोंग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। द पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स एंड एंशियंट साइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, हम लोग बहुत बार कोई भी पुरानी साइट पर चले जाते हैं या फिर म्यूज़ियम में चले जाते हैं। अब म्यूज़ियम में जाने के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है वहाँ पे? कि जो चीज़ें आज हम कॉमनली देख लेते हैं, ये उस ज़माने में बहुत ही
नई थी, मतलब इनके यहाँ पे सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था। टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल। यस, अब ये देख लीजिए, आज हमारे इंडिया में टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, बराबर है। वो टूरिस्ट क्या देखने आते हैं? हमारे आज के प्रेजेंट टेंस को नहीं, जो हिस्टोरिकली जो हमारे इंडिया में मौजूद है और जो जो चीज़ें हुई हैं, जिनकी कहानियाँ मौजूद हैं, उनको सुनने, उनको देखने, उनको एक्सपीरियंस लेने, उनको फील करने के लिए वो आते हैं। दैट मीन्स आज जो इतना बड़ा टूरिज़्म का बिजनेस है, वो हिस्टोरिकली डिपेंडेंट है। अगर कुछ अच्छी हिस्ट्री नहीं होती तो वो क्यों आते हैं यहाँ पे? जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, चार मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में जो हिस्टोरिकल है, और उन्हीं को देखने के लिए आज के दौर में जो बाहर के टूरिस्ट है वो आते हैं। दे कैन वॉलेंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज। देन अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट्स। यस, हिस्ट्री जो है पास्ट इवेंट पर डिपेंड करती है। द वे अवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। आज जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है? जो हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उस पे डिपेंडेंट है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो आज भी वो कल्चर हमारे साथ है। हिस्टोरिकल इवेंट रिलेट टू वेरियस फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, सोशल, रिलीजियस, स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्युनिटी, जिस तरीके से लोगों की कम्युनिटी होते लोग, हाँ, फिलॉसफी, जो लोगों की सोच थी, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये जो भी कुछ इस घटना में एडेड है। ईच ऑफ दिस फील्ड हैव द ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। हेंस द मैथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते क्या क्या है। सबसे पहला दिया है फिलॉसफी। द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? कहाँ से शुरू हुआ। आइडियोलॉजी, जहाँ से सोच निकल कर आए। इंटेलेक्चुअल मतलब जो कनेक्टेड है। एंड द ट्रेडिशंस गिविंग टू दोज आइडियोलॉजी इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फिलॉसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। यस, एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, हमारी सोच, एक्सप्रेशन ही काफ़ी है फिलोसॉफिकल चीज़ों को समझाने के लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। अब आज के दौर में तो जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं हम लोग जो सुनते हैं वो हमें पता है, बट इफ़ वी नो दैट के हिस्टोरिकली भी ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो हमें पता ही नहीं है, होंगी, जो आज तक शायद कुछ लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए। बेसिकली ये सब काम कौन कर लेता है? जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं उनको थोड़ी भाषाओं का ज्ञान होता है। साइंस, नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। क्रोनोलॉजिकल, लाइन बाय लाइन साइंस हमें बताता है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है वो एक के बाद एक कैसे हुई, है ना, जिसको नंबर, न्यूमेरिकल्स नंबर वाइज कैसे बताया और थियरी कैसे तैयार की। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। यस, ये भी पता चलता है कि इसके इफेक्ट चेन क्या थे जो डिस्कवरी इन्वेंशन हुई। इट इज सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कहते हैं ना, इन्वेंशन है वो मदर है किस चीज़ की? नीड की। इंसान को जब ज़रूरत होती है तो वो किसी भी चीज़ का क्या कर सकता है? क्रिएशन कर सकता है। सो इट इज़ सेड दैट द नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस। साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशंस आर ऑफ्टन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू फुलफिल द नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। साइंटिफिक डिस्कवरी जितनी भी हुई है ये इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुई है। ह्यूमन एफर्ट्स होता ही क्यों है? उनकी क्यूरियोसिटी, राइट, उनकी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए। आज इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वाईफाई है, इंटरनेट है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब इंसानों ने अपने एफर्ट्स को फुलफिल करने के लिए इन सब चीज़ों का इन्वेंशन करवाया। सो दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। अब आप सोचिए ज़रा,
ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई? जब उन्हें इतनी नॉलेज थी तो ही पॉसिबल हुई। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन एंड इट्स क्रोनोलॉजी। हम जैसे कि अभी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले आज हम बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन से। एक टाइम पे टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था, तो टेलीफोन जैसे आज हैं वैसे उस ज़माने में नहीं थे, वो थोड़े अलग थे। बट जैसे ही उसकी शुरुआत हुई, आज ये सब एक कॉमन कम्युनिकेशन बन चुका है सबके लिए। बात जब टेलीविज़न की जाती है, आज सबके पास मोस्ट प्रोबेबली LED होता है, 4K है, अल्ट्रा। बट जब सबसे पहली बार जो TV बना था तो वो वैसा नहीं था। बट एक इन्वेंशन होने के बाद एक आइडिया लोगों को मिला और लोगों ने उस आइडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाया, और साथ ही साथ में उन लोगों ने उस चीज़ को क्रिएट किया। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिटेड अ साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। येस, अब जैसे कि आज एग्रीकल्चर जो होता है, इसका तरीका थोड़ा अलग है। पर जब शुरुआती दिनों में जो एग्रीकल्चर लोग किया करते थे वो एकदम ट्रेडिशनल था, आज थोड़ा मॉडर्निस्टिक आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड द कॉजेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फॉर द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। येस, जिस तरीके से पहले जो टूल्स यूज़ किया करते थे एग्रीकल्चर के टाइम पे, जो टूल्स था, आज उसको इस मॉडर्निस्टिक ज़माने के तौर पे क्रिएट किया गया है नया। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइंस इज डिफरेंट थिंग एंड टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इट प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस, द नेचर ऑफ द मार्केट एंड द कॉमर्स हैज़ कंटिन्यू टू चेंज। येस, जैसे पुराने ज़माने में इंडस्ट्रीज थी, ट्रेड था, आज वैसा नहीं है, आज नए तरीके का है। सो द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यू टू चेंज अकॉर्डिंगली। द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंटिन्यू टू चेंज। येस, जिस पहले के टाइम पर जिस तरीके का रिलेशनशिप था ह्यूमन्स में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में था, अब वो वैसा नहीं रहा। ये क्या हुआ है? चेंज हुआ है समय के अनुसार। टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्टडीज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन सच एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इट इज़ असेंशियल टू हैव ए नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट। इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट क्या होता है कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं, इससे जुड़ा हुआ रहता है। लाइक प्रोडक्शन, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, येस दे हैव अ मैनेजमेंट टीम, देन दे हैव अ ह्यूमन रिसोर्स जो लोग एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं वगैरह, एंड देन दे हैव अ
सेल्स मैनेजमेंट की टीम अलग से। इट इज़ असेंशियल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, इट इज़ अंडरस्टैंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इन द रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। जितना अच्छा मैनेजमेंट स्टडीड होगा और जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना ही काम क्या होता है आसान होता है। देन वी हैव आर्ट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन एंड द फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल इमोशन कल्चर ट्रेडिशन। द की टू एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एनी आर्ट एनी फॉर्म आर्ट इमोशनल टेम्परमेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चर हिस्ट्री। आर्ट्स तो वैसे सब जानते हैं जो एक तरीके की कला होती है, किस तरीके का एक्सप्रेशन होता है एक आर्टिस्ट के अंदर, जो उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, टेम्परमेंट कैसा है उसका आर्टिस्ट का। तो अब जैसे कि हम पुराने ज़माने की कोई मूवी या फिर कोई भी टाइप का नाटक या कोई गाना हम देख लेते हैं, तो उस ज़माने में जो एक्सप्रेशन थे और आज के जो एक्सप्रेशंस हैं टोटली क्या है, वो डिफरेंट है, राइट। देन ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिस्ट एक्सेट्रा। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। यस, ह्यूमैनिटीज़ में हम क्या देखते हैं कि इंसानों का डिसिप्लिन कैसे हुआ करता था पहले के टाइम पे। आर्कियोलॉजी, जो पुरानी चीज़ें जो हमें मिली हैं वो, सोशियोलॉजी जो हमारे समाज की जो स्टडी होती है उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल थिंग्स। तो ये सब जो डिसिप्लिन है ये भी हमारे डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ऑल डिसिप्लिन आर सपोज टू हैव द ओरिजिन इन फिलॉसफी। फिलॉसफी अगेन ये इज़ थिंकिंग। एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेकुलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, गॉड एंड गॉडेसेस, रिचुअल्स एंड द फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, भगवान, देवता, देवी देवता, रीति रिवाज। रूट्स ऑफ फिलोसफिकल पॉन्डरिंग आर टू बी फाउंड इन दिस माइथोलॉजिकल स्टोरीज। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज हैव थियोरटिकल फाउंडेशंस बेस्ड ऑन फिलोसफिकल थियोरीज। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस। सो येस, इट इज़ प्रूफ दैट कि अगर हमें हिस्टोरिकल नॉलेज है तो ही हम ये डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, बिकॉज हम कितना भी कह लें कि आज हम अपने प्रेजेंट टेंस में अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे, लेकिन जब तक हिस्ट्री की नॉलेज ना हो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। इट इज़ बीन ईजीली ट्रॉट। द नेक्स्ट इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। पीपल ऑफ्टन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। येस इट इज़ ट्रू, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि लोग हमेशा ये पूछते हैं कि हिस्ट्री क्या काम की, क्यों पढ़े हम इसको, कौन से हमें कुछ मेडल मिल जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ मार्क्स ही तो लेने हैं स्कूल में या फिर अपने जो भी कॉलेजेस में, बस इतना ही तो है। आज के हमारी ज़रूरत में हिस्ट्री क्या काम की, यह अक्सर लोगों का एक सवाल होता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर द क्वेश्चन एज वेल। यस, इसका जो नेचर है ये अपने आप में इसका आंसर है, क्योंकि लोग कभी ये नहीं समझते कि आज जो प्रेजेंट में हो रहा है इसके पीछे फ्यूचर का तो हाथ नहीं है, ये बात तो श्योर है। हाँ, लेकिन हमारे पास्ट टेंस का ज़रूर है। अगर हमने हमारे पास्ट टेंस में कुछ भी ऐसा किया है या फिर जो चीज़ें करनी थी या फिर कुछ इन्वेंशन या वॉट एवर जो डेवलपमेंट की बात हमने अभी देखी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर ये बात श्योर हो जाती है कि हाँ उस पास्ट टेंस की वजह से आज हमारे प्रेजेंट में फ़र्क पड़ रहा है। और जैसे कि आज अगर समझे कि एग्जांपल आप पढ़ाई मत करो तो फ्यूचर में जो आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, तो फिर आप क्या कहोगे, अपने पास्ट टेंस को ही कोसोगे।
यस, सो अप्लाइड हिस्ट्री और हमारे प्रेजेंट में ये फ़र्क है। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। कुछ जो दिखती हैं या कुछ जो चीज़ें नहीं दिखती है पास्ट टेंस की, वो हमारे प्रेजेंट में बहुत ही इफेक्ट करती है। वी नर्चर सम ऑफ द काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम। अब जैसे कि देख लीजिए, आपको कोई अगर हिस्टोरिकल मूवी देखने का मौका मिले तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कोई फ्यूचर की कोई मूवी रहे तो वो इतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? फ्यूचर तो हम देखने ही वाले हैं, बट हिस्ट्री हमने नहीं देखी और हम देख भी नहीं सकते। अगर कोई उसे क्रिएट करके हमारे सामने लेके आता है, कोई बायोपिक हो या कोई पुराने मुग़ल एम्पायर की कोई ज़माने की कोई मूवी हो या कुछ भी हो, तो लोग उसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लोग उस देखना होता है कि उस ज़माने में लोग कैसे बातें किया करते थे, कैसे काम हुआ करते थे, वॉट एवर। सो येस, इट्स क्यूरियोसिटी। वी विश टू नो अबाउट मोर देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर। हमें ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि हमारे एंसेस्टर कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे जो बाप दादा के ज़माने के पहले के जो लोग थे वो कैसे थे, कैसे अपनी लाइफ को निकाला करते थे। आज जैसे कि हम मॉडर्न हो चुके हैं और लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, टीवी, ये हमारी ज़रूरत है, उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अच्छी लाइफ जी। आज हम डॉक्टर्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उस ज़माने में इतने नहीं थे, तो उस ज़माने में लोग कैसे अपने आप को ठीक रखा करते थे, तो ये सब जानने लायक है प्राचीन। सो इट्स अवर हेरिटेज, ये हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अवर आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी बनाता है। द हिस्ट्री ऑफ अवर हेरिटेज लिंक्स अस विद अवर ओरिजिन, यस, जो हिस्ट्री ही है हमारी अपने आप में एक पहचान है, जो हेरिटेज है हमारी वही हमारी ओरिजिन है। हैंस इट बिकेम नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर द फ्यूचर, यस, ये बहुत हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस हिस्ट्री को प्रिजर्व भी करके रखें और कंजर्व भी करें आने वाले समय में लोगों को बताने के लिए, फॉर द बेनिफिट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन ब्रीफ, अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड द फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर फ्यूचर। येस, सो इट इज़ बीन क्लियर दैट हमारे फ्यूचर को अगर हमें अच्छा बनाना है तो हमें हिस्ट्री की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे भी जो प्रैक्टिकली बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में हिस्टोरिकल सवाल भी आते हैं। अब लोग कहेंगे कि आज ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या काम आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। जिस पर्सन को हिस्टोरिकल नॉलेज ज़्यादा होती है उसकी मेमोरी बहुत ही शार्पन होती है, और जिसकी मेमोरी अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हर चीज़ प्रेजेंट टेंस से हम कनेक्ट नहीं कर सकते ना। सो येस, इट इज़ ट्रू दैट के अप्लाइड हिस्ट्री में जो पुरानी बातें हैं ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जितना हो सके स्टूडेंट्स, हिस्ट्री को पढ़ना और हिस्टोरिकल नॉलेज रखना ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपका जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है, राइट? सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम आगे के जो बचे कुछ और टॉपिक है इसमें कवर करेंगे, फाइन? एंड वी विल टेक दिस लेक्चर कंप्लीट बाइंग दिस लेसन, थर्ड लेसन अपना नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन आप इसको अच्छे से सुनिए, वैसे बहुत ही आसान है, ये जो पॉइंट्स शुरू किए थे वो आपको बहुत ही इजी पढ़ेंगे पढ़ने के लिए, राइट? और हमेशा एक बात याद रखिए कि जो भी हिस्टोरिकली आप पढ़ते हैं या फिर जो भी कभी गूगल पे आप देखते हो, यूट्यूब पे आप देखते हो, अब ये सोच लीजिए यूट्यूब भी जो है या फिर जो गूगल है इसमें हिस्टोरिकल चीज़ों को ही भरा गया है। सोचो ज़्यादातर लोग इसको क्यों देखते हैं, आज पुरानी चीज़ों को हम बार बार यूट्यूब पे क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पास्ट टेंस को देखने का एक मज़ा मिलता है, साथ साथ में नॉलेज मिलती है। सो इट इज़ बीन क्लियर दैट पास्ट टेंस बहुत ही ज़रूरी है, ओके? सो टिल देन लिसन दिस लेक्चर वेरी केयरफुली, टेक केयर।